सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 52 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 3 मार्क क्वेश्चंस एंड इट्स गिवन ऑन पेज 134. क्वेश्चन नंबर 52. अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम It had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed. Find its usual speed. बहुत common type के questions है कि plane half an hour late निकला तो उसको अपनी speed बढ़ानी पड़ी. So, see, try to consider this situation कि place A और place B इसके बीच में distance है 1500 km और plane को ये cover करना है. तो यूजुअली मान लो क्या होता है कि उसकी स्पीड एस है, नॉर्मल स्पीड. टाइम पे अगर वो निकल रहा है तो उसकी जो स्पीड है एस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टी. ये एक रिलेशन होल्ड करेगी. बट द थिंग इज कि उसके पास यही डिस्टेंस कवर करने के लिए अब प्रॉब्लम हो गया. आधा घंटा वो लेट निकला फ्लाइट, ठीक है. मान लो 4 बजे शेड्यूल था तो 4:30 को निकला, बट उसको टाइम पे तो पहुंचना है. तो टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी. स्पीड इज एस प्लस 100 किलोमीटर पर आवर. उसकी स्पीड 100 से हमको बढ़ानी पड़ी. डिस्टेंस सेम ही रखा. अब उसको कम टाइम में ये कवर करना है. तो उन्होंने ये बोला है कि और उसके पास कितना टाइम इफेक्टिवली होगा. पहले उसको टी आवर्स लगने वाले थे, अब उसको टी माइनस हाफ एन आवर 30 मिनट उसको कम लेने हैं. ये सिचुएशन समझ में आई. डिस्टेंस फिक्स्ड रहने वाला है दोनों ही केसेस में. डिस्टेंस फिक्स्ड है बट उसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. उसको अपनी स्पीड एस प्लस 100 करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम लगने वाला है. टाइम अब उसके पास कम है, आधा घंटा कम है. सी, आप एक सिचुएशन इमेजिन करो. ये क्लास है, क्लास से आप 4 बजे निकलते हो 4 PM. तो अपने घर तक पहुंचने के लिए मान लो आपको 4:15 15 मिनट लगते हैं. बट मान लो आप 4:05 को क्लास से निकले तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप 4:15 पे ही यहाँ पे पहुंचो. तो क्या है कि अब ये जो पहला केस है, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस. ऐसा तो नहीं है ना कि आप लेट निकले तो आपका घर सड़क के आगे आ जाएगा. आपका घर तो उतने ही डिस्टेंस पे रहने वाला है. सो क्लास और घर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है. बस आपको अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अब आपके पास 10 ही मिनट है. आप 4:05 को निकले, आपको 4:15 पे पहुंचना है. तो इस केस में आपके पास टाइम 15 मिनट था, अब यहाँ पे टाइम 10 मिनट है. टाइम कम हो गया, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा. वही चीज़ यहाँ पे है कि डेस्टिनेशन यहाँ से सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है. सोर्स और डेस्टिनेशन कि आधा घंटा कम लगने वाला है अब तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो मुझे ये बताओ ये दोनों फॉर्मुलेशंस क्लियर हुए? ये पहला इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ और दूसरा इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ? ये दोनों इक्वेशंस का फॉर्मेशन क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिख के बताओ. वाई या एन लिख सकते हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. कहीं ना कहीं पे आप देखोगे यूनिट टेस्ट में, सेमेस्टर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कहीं ना कहीं ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे. ओके, तो अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके एस एंड टी निकालना है. तो बेसिकली हमको यहाँ पे हाँ यूजुअल स्पीड निकालनी है. एस निकालनी है हमको यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे. एस इंटू टी इज 1500, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. एस प्लस 100 इंटू टी माइनस हाफ इज इक्वल टू 1500. तो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. एस टी माइनस एस अपॉन 2 प्लस 100 टी माइनस 50 इज इक्वल टू 1500. एस टी का वैल्यू 1500 है तो ये दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा. देखो एस इंटू टी इज 1500, ये कैंसिल आउट होगा. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो अक्रॉस. सो माइनस एस प्लस 200 माइनस यहाँ पे टी आएगा कैपिटल टी माइनस 100 इज इक्वल टू 0. इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तरफ कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो हमने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये ऐसा इक्वेशन मिलेगा. हमको s निकालना है तो हम लोग फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे. t इज 1500 बाय s.
और ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वी हैव माइनस एस प्लस 200 टी, माइनस एस प्लस 200 टी, ये दोनों टर्म्स लिख दिए, फिर माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। और हमने ये भी डिराइव किया कि टी इज 1500 अपॉन एस, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टी इज 1500 अपॉन एस, तो माइनस एस प्लस 200 इंटू 1500 अपॉन एस माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। अब एस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस एस स्क्वायर प्लस 200 इंटू 1500 माइनस 100 एस इज इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो एस स्क्वायर प्लस 100 एस माइनस 1500 इंटू 200 इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एस, एस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, ये लास्ट का टर्म पकड़ेंगे 1500 इंटू 200, ठीक है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू आगे 100 है इंटू 200, ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, 100 5 को दे दो, नहीं यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, अब ये 2 को भी अलग कर देते हैं, तो 5 इंटू 3 इंटू 2, और फिर यहाँ पे 200 से, तो इसको फैक्टराइज करते गए हम, 5 इंटू 2 इज 6, तो 600 एंड बचा हुआ 300, तो 5 इंटू 2 इंटू 100 दैट इज 600, और ये 3 इंटू 100 इज 300, नहीं ये गलत कर दिया मैंने, हाँ हमको इसको पकड़ना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 100 दैट इज 600, और फिर ये 5 इंटू 100 इज 500, ऐसा लिखना है। और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, 100, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 600 एस माइनस 500 एस माइनस 1500 इंटू 200 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों को क्लब करो, एस एस प्लस 600 माइनस 500 कॉमन निकालो, एस प्लस 600 इज इक्वल टू जीरो, एस प्लस 600 इंटू एस माइनस 500 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से दो सॉल्यूशंस आते हैं, एस इज 500 किलोमीटर पर आर, एस इज इक्वल टू माइनस 600 किलोमीटर पर आर, पॉजिटिव आंसर कंसिडरेशन में लेना है। बताओ क्लियर हुआ ये सम, सेम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ऐसे ही नंबर्स के साथ टेक्स्ट बुक में ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53। तो 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू जीरो। आपका क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पहला टर्म और लास्ट का टर्म मल्टीप्लाई करना होता है, तो 4√3 इंटू 2√3, और यहाँ पे माइनस साइन भी है, लास्ट का टर्म माइनस साइन भी है ना, तो माइनस भी आप रख दो यहाँ पे। अब इससे क्या है कि आपको दो नंबर्स बनाने होते हैं जिनका सम 5 आता हो, जिनका सम 5 आता हो। तो अब देखो इसको क्या करें, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 ऐसा आ जाएगा, √3 √3 3 बन जाएगा, और माइनस 8, 3 आ रहा है, बट हमको यहाँ पे प्लस 5 चाहिए ना, प्लस 5, तो हम लोग 8 इंटू माइनस 3 लिख देंगे, तो आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 5 बनता है, तो 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू जीरो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4x, तो यहाँ पे आएगा √3x प्लस 2, इन दोनों में माइनस √3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा √3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली ये वाला जो √3 है इसको लिखा जाएगा √3 द होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक √3 का टर्म, यहाँ पे एक √3 का टर्म, माइनस का टर्म कॉमन निकालेंगे, माइनस का साइन, तो द फैक्टराइजेशन इज 4x माइनस √3 √3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स है, x इज √3/4, x इज इक्वल टू -2/√3। यूजुअली अगर आप इसमें फंस जाओ, आपको 15 सेकंड में पता चल जाए, आधे मिनट में पता चल जाए कि आपको स्प्लिटिंग नहीं समझ में आ रही,
सबसे सेफ बेट रहता है इसमें कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। सबसे इजीएस्ट वे वही है कि 4√3x² है, 5x है, −2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c। तो रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये फॉर्मूला आप लगा दो तो दोनों आंसर्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25। अब देखो यहाँ पे एक माइनस साइन है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, 32 × √3 × √3 3। डिवाइडेड बाय 2 × 4√3 दिस इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 8√3। यहां से आगे आप कैलकुलेट करो, देखो यही आंसर्स मिल रहे हैं कि नहीं, ट्राई करो। So the two roots are minus 5 plus 11 by 8√3, minus 5 minus 11 by 8√3, which is 6 by 8√3, which is minus 16 by 8√3. So this is 3 by 4√3. And the other root is −2/√3। And यहाँ पे 3 को आप लिख सकते हो √3 the whole square। एक √3 ऊपर और नीचे cancel out होगा, you'll get √3/4। And यहाँ पे आएगा −2/√3। देखो same answers आ गए। So within half a minute take a call। आपसे चीजें factorize हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही तो आप direct quadratic formula apply कर देना। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स सम ऑफ हू स्क्वायर्स इज 130। देखो ऑड नंबर्स हम लोग कैसा मॉडल कर सकते हैं, एक नंबर अगर x है तो अगला नंबर होगा x प्लस 2। ये है दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं। आप x x माइनस टू भी ले सकते हो, जैसे आप देखो 3, 5 लेते हो ना, तो क्या होता है कि 3, 3+2 दो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं। तो इसी को हमने x लिखा हुआ है और ये बनेगा x प्लस 2। उसके बाद ये सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 130। x² + x² + 4x + 4 is 130. 2x² + 4x - 126 is equal to 0. x² + 2x - 63 is equal to 0. करो इसको फैक्टराइज। और बताओ x की वैल्यूज क्या आ रहे हैं।
सेवन नाइन का 63 होता है, तो x प्लस नाइन एक्स माइनस सेवन, इसका फैक्टराइजेशन आएगा x इज माइनस नाइन x इज सेवन। तो x अगर माइनस नाइन है तो x प्लस टू क्या होगा, x प्लस टू होगा माइनस सेवन, और अगर x सेवन रखा आपने तो x प्लस टू क्या होगा नाइन। तो ये है वो दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 7.9 एंड -7.-9, बट उन्होंने बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स, उन्होंने नेचुरल नंबर्स बोला है, तो आपको इसको रिजेक्ट करना होगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। 7 and 9 इज द आंसर। क्लियर हुआ सम? एक क्वेश्चन है 51, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, उसमें क्या है कि x का वैल्यू अपने को निकालना है, विच इज अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 एंड सो ऑन, एंड देर आर इन्फेनाइट सच टर्म्स, ऐसे इन्फेनाइट टर्म्स हैं। तो x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखो x जो है स्क्वेयर रूट के अंदर 5 प्लस स्क्वेयर रूट के अंदर 5 प्लस स्क्वेयर रूट के अंदर 5 इन्फेनाइट टाइम्स। तो आप देखो x फिर से कहां पे स्टार्ट हो रहा है, अगर एक काम करते हैं दोनों साइड को स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर बनेगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। अब आप ऑब्जर्व करो ये टर्म क्या है, आप ही मुझे आंसर बताओगे, ट्राई करो। यहां से लेकर ये वाला टर्म, ये क्या है, What is this term? देखते कौन सही बता पाता है इसको। नहीं जीरो तो नहीं है, ऑब्जर्व करो ये रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 5 प्लस रूट के अंदर 5, ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा है रेड कलर में, नहीं इन्फेनाइट भी नहीं, नो no. ये क्या टर्म है, ऊपर ही देखो ना पहला लाइन जो मैंने लिखा है, देखो क्या है x का वैल्यू क्या है, रूट के अंदर 5 फिर रूट के अंदर 5 फिर रूट के अंदर 5, नो 5 रूट 5 भी नहीं, गेस हाँ x। तो प्रणीति सुहानी इन्होंने करेक्ट आंसर दिया 5 प्लस, सी दिस एंटायर टर्म इज ओवर हियर एंड व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस x, इसको करो फैक्टराइज, x square minus x minus 5 is equal to 0. और इसके रूट्स निकालो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये फैक्टराइजेशन से नहीं आएगा। तो यहां पे x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, so that is 1 plus or minus root of 21 by 2. तो दो values हैं इसके, x is equal to either 1 plus root 21 by 2 or 1 minus root 21 by 2. अब कहीं पे भी original जो x का term है देखो उसमें negative sign नहीं दिख रही, मतलब x का value क्या है, positive, x एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमको ये रूट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो है 1 प्लस रूट 21 बाय 2। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू हमको निकालनी है, 16 बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 15 बाय x प्लस 1, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखी गई है। तो कैसे करें इसको, कैसे करें, यहाँ पे 16 बाय x माइनस 15 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, रीअरेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x प्लस 16 माइनस 15x
डिवाइडेड बाय एक्स एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वन, यहाँ पे ये 16 माइनस 15 एक्स होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई अभी ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स प्लस सिक्सटीन, एक्स एक्स विल कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज 16, सो फ्रॉम हेयर यू गेट एक्स इज ईदर 4 और माइनस 4, दीज आर द टू आंसर्स. नेक्स्ट इज 56, क्वेश्चन नंबर 56, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, क्वाड्रेटिक दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. पी की वैल्यू निकालो, अगर इसका एक रूट अपने को दिया है, वन ऑफ द रूट इज वन बाय रूट थ्री, क्या करोगे आप, सिंपल एक्स का वैल्यू वन बाय रूट थ्री इसमें पुट करोगे, तो पी इंटू वन बाय रूट थ्री स्क्वायर प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू इंटू वन बाय रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो पी बाय थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू बाय रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. तो पी बाय थ्री प्लस, सी इस रूट थ्री को सेपरेट कर दो, रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इज वन, माइनस टू बाय रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन माइनस वन विल कैंसिल आउट एंड विल गेट पी इज इक्वल टू टू बाय रूट थ्री इंटू थ्री विच इज इक्वल टू टू रूट थ्री. क्लियर हुआ पी का वैल्यू कैसे निकला यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट सम पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. सो सम ऑफ टू नंबर्स इज 11. दो नंबर्स का सम है 11 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 11 बाय 28. दिस इज गिवन टू अस, फाइंड द नंबर्स, नंबर्स निकालो. तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज 11 बाय 28. एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 यहाँ पे रख देंगे, 11 अपॉन एक्स वाई इज 11 बाय 28. यहाँ से 11 11 कैंसिल आउट होगा, एक्स वाई की वैल्यू आएगी 28. तो वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स प्लस वाई, वाई इज 28 बाय एक्स इज इक्वल टू 11. आप इसको सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, एक्स के वैल्यूज क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे. यहाँ से आगे आप कंटिन्यू करो, एक्स स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 11 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 28 इज जीरो. क्या है इसके दो रूट्स, सेवन एंड फोर आ रहा है, देखो एक्स इज इक्वल टू 7.4. तो क्वेश्चन नंबर 58 भी ऐसा ही है, आप वो ट्राई करना. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 4 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 4 बाय 21. तो ये आप ट्राई करके देखना, सेम जैसे अभी हमने किया वैसे ही करना है. टू स्टूडेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं. Two students of class 11, sorry, class 10, while solving a quadratic equation, committed the following mistakes. One of them made a mistake in the constant term and got the root as 6 and 8. So, see, आपको ये concept पता है कि अगर alpha and beta roots है, तो quadratic equation बनती कैसे है? Quadratic equation होगी x square minus sum of roots प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बनाई जाती है अगर आपके पास रूट्स पता हो. तो क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, या उसको नेम करते हैं स्टूडेंट वन. उसने क्या किया, उसने गड़बड़ की कॉन्स्टेंट टर्म को नोट करने में. तो कॉन्स्टेंट टर्म मतलब ये वाला टर्म, इसको नोट करने में उसने गलती की.
और उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताए 6 एंड 8। अच्छा, तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम होगा 14x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, 6 8 जा 48। तो उसने जो गलत इंफॉर्मेशन नोट की है वो ये वाले टर्म की है, ये गलत है स्टूडेंट वन के लिए। अब स्टूडेंट टू ने क्या किया, देखो स्टूडेंट टू, उसने भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, उसने गलती कहां की, अनदर वन कमिटेड एन एरर इन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ही गॉट द रूट एज 3 एंड 14। दूसरे ने बताया कि इस क्वाड्रेटिक के, इसी क्वाड्रेटिक के रूट से 3 एंड 14, और उसने गड़बड़ की है एक्स का कोएफिशिएंट नोट करने में। अच्छा, तो उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक कैसी बननी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 3 इंटू 14 52। तो इसने गलती कहाँ की हुई है, इसने एक्स के कोएफिशिएंट में गलती की हुई है। तो उन्होंने बोला कि सही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, तो बताओ आप लोग ट्राई करो। स्टूडेंट वन ने गलती इस टर्म में की तो ये अपने को नहीं लेना, स्टूडेंट टू ने इस टर्म में गलती की बट ये करेक्ट नोट किया है, स्टूडेंट वन ने इसको करेक्ट नोट किया है, तो असली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है या वो क्या होगी, बताओ व्हाट विल बी द एक्चुअल करेक्ट और रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, पहले स्टूडेंट ने कांस्टेंट टर्म लिखने में गलती की, मतलब बीच का टर्म सही है उसका। स्टूडेंट टू ने क्या किया, क्वाड्रेटिक को नोट किया, उसने एक्स का कोएफिशिएंट में गड़बड़ की है बट उसने कांस्टेंट टर्म सही लिखा। सो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सही क्वाड्रेटिक कौन सी है। ओ तो ये इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x आएगा, माइनस 14x क्योंकि ये करेक्ट टर्म है, और यहाँ पे प्लस 52 आएगा, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ये सही वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी, एट टाइम At t minutes past 2 p.m., the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 will find t. ठीक है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, at t minutes past 2 p.m. time needed by minute hand of clock to show 3 p.m. was 3 minute less than t square by 4 minute, find t. Minutes past 2 p.m. time needed by minute hand of clock to show 3 p.m. was 3 minutes less than t square by 4. ये थोड़ा conceptual question है, एक घड़ी है, exactly 2 p.m. का जो time है वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पे होगा 2 बजे, टाइम ऐसा दिखेगा, यह है मिनट हैंड, आर हैंड मिनट हैंड ऐसे दिखेंगे। तो मान लो टी मिनट्स गुजर चुके हैं, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो जैसे ही इस घड़ी में जब 2 बज रहे हैं और टी मिनट्स गुजर चुके, तो टी मिनट्स निकलने के बाद ये जो आर हैंड है 2 और 3 के बीच में कहीं पे आएगा, और जो मिनट हैंड है मान लो कहीं निकल चुका, कहीं पे तो है हमको पता नहीं। सो टी मिनट्स हो चुके, दिस इज द स्टेट ऑफ वॉच आफ्टर सम टाइम टी, टी मिनट्स हो जाने के बाद, ठीक है। तो टी मिनट्स पास्ट
22 PM टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू शो 3 PM। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे शेड अलग करते हैं, ये है रेड कलर में शेड कर देते हैं इसको, ये नया स्टेट है। इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा फॉर्मुलेशन में, ये यहाँ पे है 2 PM का स्टेट, ठीक है, सॉरी ऐसे लिखिएगा 2 PM। फाइन, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस इज कि ये जो मिनट हैंड का स्टेट है और ये जो मिनट हैंड का स्टेट है, कितना टाइम बीता है इन दोनों के बीच में, ये टी मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के जो लाइंस है, ब्लैक कलर के लाइंस इस डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड का 2 PM का स्टेट, और रेड क्या दिखा रहे हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो अब बता सकते हो कि ये जो रिमेनिंग टाइम है, ये वाला रिमेनिंग टाइम, ये कितना होगा, सोच के बताओ। सी, इन दोनों काटों के बीच में, इन दोनों हैंड्स के बीच में टी मिनट्स गुजर चुके हैं और ये मिनट हैंड है, तो ये वाला जो बचा हुआ टाइम है, ये वाला जो बचा हुआ टाइम है, ये कितना मिनट्स होगा, 60 - t, दैट इज करेक्ट, एक घंटा होता है ना टोटल, पूरा का पूरा कवर करने में मिनट हैंड को एक घंटा लगता है। अब t मिनट्स गुजर चुके हैं तो बचे कितने, 60 - t मिनट्स। अब ये पढ़ो, टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू शो 3 PM, ये 60 - t है, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ी, इसका मीनिंग ही 60 - t है। वॉज, ये वॉज है, ये इज इक्वल टू है 3 मिनट लेस देन t²/4, t²/4 से 3 मिनट कम है, ये इसका फॉर्मुलेशन है। तो जिस किसी को भी ये फॉर्मुलेशन क्लियर नहीं हुआ हो, कमेंट में लिख के बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर हियर, किस किस को नहीं समझा एंड दे वॉन्ट मी टू रिपीट द एक्सप्लेनेशन। ओके, आई विल रिपीट इट। देखो, समझो इस बात को कि ये घड़ी है, इसमें यहाँ पे 12, 1, 2, 3, अभी इसमें 2 बज रहे हैं, ठीक है, तो 2 बजे का जो स्टेट है वो हम लोग रेड हैंड से दिखा देंगे, रेड कलर से दिखा देंगे। और क्या हुआ कि टी मिनट्स गुजर जाने के बाद ये जो डायग्राम है ये कैसे दिखेगा, 2 और 3 के बीच में आर हैंड आएगा एंड मिनट हैंड कहीं तो आ रहा होगा, ठीक है। सो दिस टाइम गैप इज टी मिनट्स, दिस टाइम गैप इज टी मिनट्स। तो आई आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो रिमेनिंग टाइम गैप है, ये टाइम गैप, ये कितना होगा, 60 - t। यहां तक क्लियर है, बताओ जिनको पहले एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि एक घंटा लगता है ना फिर से 12 से 12 में पहुंचने में, ठीक है, तो 60 - t। अब उन्होंने ही बोला है कि t मिनट्स गुजर जाने के बाद, अब जितना टाइम मिनट हैंड को ये पूरा का पूरा यहां से लेकर ये कवर करने में लगने वाला है, मतलब 60 - t, दिस टाइम गैप, पढ़ो अब क्वेश्चन, देखो क्या दिया है, टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक टू शो 3 PM वॉस, सो 3 PM बनाने के लिए जो टाइम लगने वाला है, मतलब ये 60 - t, इट वॉस, आगे क्या लिखा है, 3 मिनट लेस देन t²/4 से 3 मिनट कम है। अब क्लियर हुआ, बताओ फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब आप करो इसको सॉल्व एंड बताओ आंसर क्या आ रहा है। पहले 3 को इधर शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड पे, 63 आ जाएगा, 63 इज इक्वल टू t²/4 + t, 4 से मल्टीप्लाई कर दो और टर्म्स को रीअरेंज करो, इनके t²+4t - 63 * 4 ऐसा आ रहा है,
इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालो। ये है 14 और 18, इसके दो फैक्टर्स हैं। ऐसा आ रहा है तो यहां से टी के वैल्यूज आएंगे, टी इज 14, टी इज इक्वल टू 18। टी का वैल्यू अपने को निकालना है, टी इज 14 ओवर हेयर, टी इज 14 एंड माइनस 18, तो माइनस 18 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ सम? आगे बढ़ते हैं। सो इट्स गिवन दैट 7 years अगो वरुण्स एज वॉज 5 years, सॉरी वरुण्स एज वॉज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। तो वी एंड एस ऐसे लिख देते हैं, ये इनके प्रेजेंट एजेस है मान लो, प्रेजेंट एज। अब उन्होंने बोला है 7 years अगो, 7 years अगो मतलब v माइनस 7 होगा, s माइनस 7 होगा, ये 7 years अगो का एज। अच्छा 7 years अगो का क्या डेटा दिया हुआ है, ये डेटा दिया है कि हाँ 7 years अगो वरुण्स एज वॉज 5 times, वरुण्स एज वॉज 5 times स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज, s माइनस 7 का स्क्वायर। 3 years hence, 3 years hence मतलब 3 साल के बाद, v plus 3 इसका एज होगा, इसका s plus 3 होगा। So 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5, स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण's एज, ऑफ वरुण's एज। तो ये 3 years hence का डेटा, स्वाति's एज इज 2/5 वरुण's एज। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा, एस का वैल्यू कितना है 2/5 वी प्लस 3 माइनस 3, ये एस का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करके वरुण का एज निकालना होगा। चलो यहाँ से कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो कल देखेंगे, आप ट्राई करके आना घर पे।